तो आज की ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, जिसमें मैं ड्रैगन बॉल सुपर के उन सभी विलेंस के नाम और काम को बताने वाला हूँ जो कि हमें ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज से दिखाते हुए अभी तक के मांगा में आए हैं। और ये नाम सीरीज वाइज ही होने वाले हैं, जैसे ये ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज में हमें दिखे हैं उसी तरह मैं इनके नाम तुम्हें बताऊंगा। और ये सिर्फ ड्रैगन बॉल सुपर से लेके अभी के ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा तक के विलेंस के नाम होंगे, और ड्रैगन बॉल जी या किसी और ड्रैगन बॉल सीरीज से ये विलेन के नाम नहीं होंगे। और जिनके भी मैं नाम लूंगा उनकी शॉर्ट स्टोरी मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम ये समझ पाओ कि इनकी एंट्री और स्टोरी कैसी रही होगी। और ये उन्हीं विलेंस के नाम हैं जिन्होंने एक टॉप की फाइट हमें दिखाई है। तो अब आज से हम उस समय में चलते हैं जब ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज चालू हुई थी और गोकू और बाकी सभी के अर्थ पर एक बार फिर से सब शांत हो गया था। लेकिन ये शांति बस कुछ समय के लिए थी, क्योंकि अर्थ पर अब पहले विलेन की नजर पड़ चुकी थी जो कि था बीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज का अभी तक का सबसे खतरनाक विलेन बन के आया था, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन का गॉड था। ये चाहे चुटकी भर में पूरे अर्थ को खत्म कर सकता था, और ये गोकू वेजिटा या किसी भी फाइटर के लिए बहुत बड़ा खतरा रहा था। और ये अभी तक का ना हराया जाने वाला विलन है, जिसे गोकू या वेजिटा या अर्थ के किसी भी फाइटर ने अभी तक इसे नहीं हराया है। अब इसकी एंट्री स्टोरी में तो काफी सिंपल ही रही थी, क्योंकि ये सिर्फ आया ही था किसी गॉड सुपर सैयन की फॉर्म के लिए, जिसे तुमने सीरीज में तो देखा ही होगा। अब बीरस के शांत हो जाने के बाद कुछ समय बीतने के बाद हमारा आता है दूसरा विलन, जो कि है फ्रीजा, जो कि अपनी गोल्डन फ्रीजा की फॉर्म के साथ आया था। और वो अर्थ पर दोबारा आया ही इसलिए था ताकि वो उन सैयंस को हरा पाए जिन्होंने उसे मारकर हेल में भेजा था। अब फ्रीजा को जिंदा करने वाले तो उसके बाकी बचे हुए चेले ही थे, जिससे लड़ने के लिए गोकू और वेजिटा को अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म को यूज करना पड़ा था, जिसे हराने के लिए गोकू ने एक छोटा सा टाइम ट्रेवल किया था और फ्रीजा को अपनी एक पावरफुल कामेहामे वेव से हराया था। अब उसके हार जाने के बाद गोकू एक पावरफुल विलन की खोज में था, जहां फिर गोकू मिला था एक सुप्रीम काई से, जो कि गोकू से ही सबसे ज्यादा चिढ़कर उसने उसकी बॉडी को पाया था, जिसका नाम उसमें दिया गया था ब्लैक गोकू। अब गोकू की बॉडी के साथ जमासू ने उसकी पावर भी पूरी तरह से ले ली थी, जो कि सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से जमासू कर पाया था, जिसे हराने के लिए गोकू ने काफी ज्यादा कोशिश तो की थी, लेकिन वो अमर था, जिसे वेजिटो फॉर्म के साथ काफी बुरी तरह डिफीट करने के बाद जमासू ने एक पावरफुल फ्यूजन से दोबारा खुद को पावरफुल बना लिया था, क्योंकि वो अमर था, जिसे हराने के लिए गोकू को जैनो को बुलाना पड़ा था, और जैनो ने उसे सुपर ड्रैगन बॉल की गलत इस्तेमाल करने के लिए उसे सजा भी दी थी और उसका नामो निशान मिटा दिया था। अब वो इतना ज्यादा पावरफुल था जिसे गोकू वेजिटा की वेजिटो जैसी फॉर्म और ट्रंक्स की पावरफुल फॉर्म तक नहीं हरा पाई थी। अब ऐसे ही समय काफी ज्यादा बीत जाने के बाद एक काफी ज्यादा खतरनाक टूर्नामेंट आता है, जिसे खुद जैनो ने अनाउंस किया होता है, जिसमें यूनिवर्स के सभी पावरफुल विलन्स आते हैं, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल के होते हैं। जहां काफी ज्यादा लोगों से लड़ने के बाद गोकू से एक ऐसा विलन टकराता है जो कि उसके उस समय के लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर होता है, जो कि होता है जिरेन, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसको देखकर उससे खौफ खा रहे होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कहीं ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है। अब जिरेन होता कितना ज्यादा पावरफुल है तुम इसका अंदाजा तो कर ही सकते हो, और इसको हराना गोकू के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर वो फाइट नहीं जीतेगा तो उसका यूनिवर्स मिटा दिया जाएगा, जिसके लिए एक खतरनाक फाइट हमें दिखाई जाती है जहां जिरेन और गोकू अपनी पूरी पावर से लड़ते हैं। और उस फाइट में जिरेन लगभग गोकू को हरा ही देता है, लेकिन गोकू भी एक पावरफुल फॉर्म को जगाता है जो कि उसने विस जैसे एंजल से सीखा है, जो कि है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। वो उस फॉर्म को जगाता है जो कि एंजल्स की फॉर्म है, और उस फॉर्म से जिरेन को काफी मुश्किल से हरा पाता है, लेकिन वहां अंत में जाके जिरेन तब भी बच जाता है, जिसे टीम अप करके फ्रीजा गोकू और वेजिटा मिलकर हराते हैं और जैसे तैसे करके उससे जीत जाते हैं, जिससे अब गोकू का यूनिवर्स बच जाता है और उनकी विश की मदद से सभी यूनिवर्स भी वापस आ जाते हैं। अब उस टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद समय आगे काफी ज्यादा बढ़ता है और वो सब अर्थ पर वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि उनके अलावा भी एक उनके समय का सैयन जिंदा है, जो कि होता है ब्रोली, जिसकी झलक हमें सुपर ब्रोली की मूवी में दिखाई जाती है, जिससे लड़ने के लिए अब गोकू वेजिटा उस प्लेनेट पर जाते हैं जहां पर वो सैयन होता है, और वो सैयन और उस सैयन को गोकू वेजिटा जैसे सैयन से भिड़वाने का षड्यंत्र दिमाग फ्रीजा पर होता है। अब इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि गोकू वेजिटा अपनी पावरफुल फॉर्म में भी जाकर उसे हरा नहीं पाते, क्योंकि वो सैयन एक लेजेंडरी सुपर सैयन होता है, जिसकी कहानी सभी सैयंस अपने कई जन्मों से सुनते आ रहे होते हैं, जिसकी झलक पूरी पूरी तुम्हें उस जगह पर दिखाई जाती है जहां ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म को जगाता है और अपने गोकू वेजिटा को एक बहुत खतरनाक फाइट देता है। और ब्रोली के लिए आगे जाके विस ये भी कहता है कि वो अगर अपनी पावर को थोड़ा
कंट्रोल कर ले तो वो बीरस जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी हरा सकता है। और ब्रोली को वहाँ खुद से लड़ना नहीं आता है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को बेकाबू छोड़ देता है, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा अपने आप को फ्यूजन करके गोजिटा फॉर्म में जाते हैं और अपनी फुर्ती को दिखाते हुए ब्रोली को काफी बुरी तरह से हराते हैं, जिसे आगे जाके गोकू फिर से अपना एक दोस्त बना लेता है और उसे उसके एक गृह पर छोड़ देता है, जहाँ गोकू उससे बीच बीच में ट्रेनिंग के लिए मिलने जाता रहता है। अब समय ऐसे ही आगे बढ़ता है और गोकू वेजिटा काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें अब भनक लगती है एक और पावरफुल विलन की, जो कि होता है मोरो। और मोरो एक ऐसा विलन होता है जो कि काफी ज्यादा पुराने समय से एक कैद में बंद होता है, लेकिन अब वो बाहर निकल चुका होता है और यूनिवर्स में तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसे पकड़ने के लिए गैलेक्टिक कॉप्स उन सैयन से मदद लेते हैं और बू के अंदर के सुप्रीम काय को जगाने की कोशिश करते हैं, जिसे हराने के लिए अब गोकू वेजिटा उस मोरो के पीछे पड़ते हैं और उस मोरो से काफी भयंकर लड़ाई भी करते हैं। और उस विलन मोरो के पास कुछ ऐसी मैजिकल पावर होती है जिसकी मदद से वो सामने वाले की पावर्स को खींच सकता है और किसी भी ग्रह की जीवन शक्ति को अपने अंदर खींच के खुद को पावरफुल बना सकता है और खुद को अमर जैसा कुछ कर सकता है, जिसे हराने के लिए गोकू वेजिटा काफी ज्यादा अपने लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं, लेकिन उसे हरा नहीं पाते, जिसके लिए वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसी टेक्निक को सीखने के लिए उस ग्रह पर जाता है जहाँ से गोकू भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को सीख के आया होता है, जो ग्रह होता है प्लेनेट याड्राट, जहाँ गोकू भी खुद को पावरफुल बनाने के लिए एक नए एंजल के साथ अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल को बढ़ाने के लिए जाता है और वो एंजल मीरस होता है। अब ये दोनों खुद को पावरफुल इसलिए बनाते हैं क्योंकि मोरो इनके लिए काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो सामने वाले की पावर्स को उस ग्रह के साथ आराम से खींच सकता है और मोरो खुद को अमर बनाना चाहता है। इसके लिए गोकू वेजिटा भी जल्द से जल्द उसे हराना चाहते हैं, जिसके लिए वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख के तो वापस आता है और काफी सारी नई टेक्निक को सीख के आता है और मोरो से लड़ता है, लेकिन काफी ज्यादा टक्कर देने के बाद भी वेजिटा उससे हार जाता है और गोकू अपनी एक नई फॉर्म के साथ उससे लड़ता है, जो कि होती है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिससे मोरो काफी बुरी तरह से लड़ता है और उससे हारता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन मोरो मीरस की पावर को कॉपी करके जिस प्लेनेट पे वो लड़ रहा होता है उसको पूरी तरह से अपने अंदर समा के गोकू से लड़ता है, जहां गोकू भी एक नई पावर को वहां दिखाता है जो कि एक चाइल्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह दिखाई देती है, जिसमें कहीं ज्यादा खतरनाक पावर हमें दिखती है, और वो उसी पावर से मोरो को हराता है और उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है, जहां उसको कुछ टुकड़ा बचता है जिसे डीएनए के तौर पर उसके चेले चपाटे उसे पार्ट को लेके चले जाते हैं और वो जन्म देते हैं एक नए विलन को, जो कि होता है OG-73, जिससे अभी तक तो गोकू नहीं भिड़ा है, जिसके लिए अब आता है हमारा एक और नया विलन जो कि आया OG-73 के लिए होता है, लेकिन उसका बदला सैयन से लेना बाकी होता है और वो होता है ग्रेनोला, जो कि एक ऐसे ट्राइब का वॉरियर होता है जो कि अपनी आंखों से काफी ज्यादा अच्छा एम लगाते हुए किसी को भी बहुत बुरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब वो सीरियल प्लेनेट का वासी होता है जो कि अकेला ही बचा हुआ होता है, जो कि जिंदा ही सैयन से बदला लेने के लिए होता है, और उसे ये पता चलता है कि कुछ सैयन अभी भी जिंदा है, जिससे बदला लेने के लिए अब वो गोकू और वेजिटा को एक झांसा देता है और उन्हें अपने प्लेनेट पर बुलाता है, जहां उनकी फाइट बहुत खतरनाक तरीके से हमें दिखाई जाती है। और ग्रेनोला एक तरह से विलन नहीं भी होता है, क्योंकि वो सिर्फ बदला लेने की सोच में खोया हुआ होता है, क्योंकि उसके दिमाग में किसी और ने ऐसी सोच डाली हुई होती है, जिससे लड़ते समय गोकू वेजिटा काफी बुरी तरह हारते हैं और आखिर में जाके वेजिटा अपनी एक नई फॉर्म को जगाता है, जो कि होती है अल्ट्रा ईगो, जहां पर वो एक डेथ बैटल करते हैं, लेकिन आखिर में जाके उनकी सुलह हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि उनकी लड़ाई बेफिजूल की है, जहां हमें फिर पता चलता है कुछ हीटर्स के बारे में, जिन्होंने ग्रेनोला के दिमाग में ये डाला था कि सैयंस ही उसके असली विलन है, लेकिन असली विलन वो हीटर्स होते हैं। अब आगे जाके हमें एक और पावरफुल विलन देखने के लिए मिलता है, जो कि अब ग्रेनोला के बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का टाइटल अपनाता है, जो कि काफी सारी फॉर्म्स को हमें वहां दिखाता है, क्योंकि उसने ग्रेनोला की तरह ही सीरियल प्लेनेट के ड्रैगन बॉल से ये विश मांगी होती है कि वो अपने जीवन में जितनी भी पावर पाएगा उसे समय से पहले वो पावर मिल जाए और उसके बदले में उसे अपना जीवन देना पड़ता है, जिससे लड़ते लड़ते वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उतना ही ज्यादा पावरफुल और भयंकर विलन गोकू और वेजिटा के लिए बन जाता है, जिसे हराने के लिए गोकू आखिर में जाके एक ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म लेता है और वेजिटा भी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म लेता है, लेकिन आखिर तक उसे हराने के बावजूद भी वो उसे पूरी तरह से हरा नहीं पाते, जहां अब गैस के दोबारा उठने के बाद एंट्री होती है एक और पावरफुल पुराने विलन की, जो कि होता है फ्रीजा, जो कि अपनी ब्लैक फ्रीजा फॉर्म के साथ आया होता है और वो फॉर्म वो अपनी 10 साल की ट्रेनिंग के बाद एक अलग से ही टाइम चेंबर में करके आया होता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक फ्रीजा की फॉर्म पाता है और वो फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो गोकू वेजिटा की नई फॉर्म को भी बड़े आराम से हराती है और ब्लैक फ्रीजा की और उस
फॉर्म की पावर्स का अभी हमें पक्का नहीं पता है, लेकिन उस फॉर्म की पावर कुछ ऐसी दिखाई देती है कि वो सामने वाले की पावर्स को पूरी तरह से खत्म कर सकता है और उसे उसके जीवन के अंत तक पहुंचा सकता है। अब उसकी पावर का लेवल तो हमें आगे जाके एक नए आर्क में पता चलेगा, जहां अभी जो सुपर हीरो का आर्क चल रहा है उसमें एक पावरफुल विलन हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि फिर से एक पुराना विलन होगा, जो कि होगा सेल मैक्स, जो कि सेल के डीएनए से ही बना है और ये एक जाइंट सेल होगा जिसका नाम सेल मैक्स ही इसलिए रखा गया है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा जिसके लिए गोहान को एक नई फॉर्म पानी होगी, जो कि होगी बीस्ट गोहान। और ये अभी तक के सभी विलन्स थे जिनकी स्टोरी भी मैंने तुम्हें बता दी है। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।